नमस्कार, मैं आरके सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और हमारा ख़ास तौर से आज का ये क्लास एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम जो 18 दिसंबर 2022 को होना पूरी तरह से निश्चित हो गया है ना। जिस तरह विवाह निश्चित हो जाता है, कार्ड वगैरह रिश्तेदारों को बांट दिए जाते हैं, तो आपका कार्ड भी आने वाला होगा, तो उस कार्ड को निकाल लें। 18 दिसंबर 2022 को पेपर होना है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमने आज एक छोटा एक्ट लिया है। ये आपका यूनिट 6 में है, आपका एडीपीओ एग्ज़ाम के लिए। तो एक्ट का नाम है आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम। थोड़ा सा देखने में आपको तकलीफ़ होगी, क्योंकि एक ही क्लास में हमको ये पूरा करना था और साथ साथ में बच्चों की हाजिरी में ही हमको वीडियो बनाना था, तो एक ही बोर्ड में हमने जो है वो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, तो थोड़ा तकलीफ़ होगी आपको। लेकिन यदि आप हमारी बातें सुनेंगे, एक बार सुन लेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा। चलिए हम चलते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो हम बात करते हैं शुरू से, तो ये किस वर्ष का एक्ट है आपका? 1961 का है। और इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? तो बीच की धाराएं हमको नहीं गिनना है, लास्ट धारा जो है वो 10 है। तो इस तरह इसमें कुल धाराएं की संख्या कितनी है? 10 है। और ये लागू हुआ आपका, तो कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1961 को, है ना। तो दहेज के चक्कर में जो है वो स्त्रियाँ महिलाएँ जो है वो जलाई जाती हैं, है ना। तो उस जुलाई से जुलाई बना लीजिएगा, 1 जुलाई। और सन तो आपको एक्ट का मालूम ही है, 1961 का एक्ट है, 1961 में ही जो है वो लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। और इसका विस्तार थोड़ा देख लीजिएगा आप, जो हमने बुक देखी है उसमें इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में है। लेकिन चूंकि धारा 370 हटाई गई है संविधान से, तो बहुत सारे एक्ट का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर में भी हो गया है, तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दहेज की परिभाषा कहाँ दी गई है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो दहेज की परिभाषा जो है वो धारा 2 में दी गई है। और दहेज है क्या, तो हम थोड़ा सा बता दें कि धारा कोई संपत्ति, है ना, कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के पूर्व, है ना, तो याद रखिएगा विवाह के पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद जो है ना, विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, या विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को या अन्य व्यक्ति को विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, माने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से दी गई है या देने का करार किया गया है। माने अभी संपत्ति दी नहीं गई, दहेज दिया नहीं गया है, लेकिन भविष्य में जो है ऐसे बात की दोनों में सहमति हुई है कि भविष्य में हम आपको जो है वो इतना राशि या ये चीज़ें हम आपको देंगे, तो इस तरह का कहलाता है आपका करार किया गया है, तो यही आपका जो है वो दहेज है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बता दें कि हर गिफ्ट या हर भेंट जो है वो, हर लेन देन जो है दहेज नहीं होता है। तो यदि वो बिना मांग के दिया गया है और हैसियत, है ना, जिसने दिया है, जिस पक्षकार ने दिया है, उस पक्षकार की हैसियत कैसी है, क्या हैसियत है उसकी कि वो उतना चीज़ दे सकता है, उतना धन दे सकता है, इसको देखा जाएगा। इसके आधार पर माननीय न्यायालय हमारे दहेज का निर्धारण करेंगे कि जो राशि दी गई है उसको पक्षकार आपसी लेन देन बता रहे हैं, प्रेम मोहब्बत से बता रहे हैं, लेकिन क्या वो उनकी आर्थिक स्थिति इतनी राशि देने की अनुमति देती है, तो इसके आधार पर भी न्यायालय जो है वो दहेज की, दहेज है कि नहीं है, इस बात का निर्धारण करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पर अपवाद है, माने ऐसे व्यक्ति जिन पर मुस्लिम शरीयत कानून लागू होता है, तो उनके द्वारा जो है वो वर पक्ष द्वारा, है ना, वर पक्ष द्वारा जो वधु पक्ष है उसको एक राशि दिए जाने का कि अगर हम आपको छोड़ते हैं तो हम वो राशि आपको देंगे, और उसको मुस्लिम विधि में बोलते हैं मेहर। क्या बोलते हैं? मेहर। तो मेहर जो है वो दहेज की परिभाषा में नहीं आता है, तो इसको याद रखिएगा, ये अपवाद है कि मेहर जो है वो दहेज की परिभाषा में नहीं आता। जो वधु पक्ष, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिए जाने का भविष्यवर्ती वादा होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि धारा दहेज की परिभाषा में जो मूल्यवान प्रतिभूति की बात की गई है, तो उसका क्या मतलब है? तो उसका वही मतलब है जो हमारी आईपीसी 1860, है ना, आईपीसी 1860 की धारा 30 में है, धारा 30 में है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगली धारा हम लेते हैं, धारा 3, है ना, दहेज लेने और देने के लिए शास्ति या दंड। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि दहेज लेना भी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है, है ना, और इसके लिए दंड क्या होगा? तो दंड लिखा है कारावास, जो 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, और जो 5 वर्ष और कारावास और जुर्माना जो 15,000 रुपये या दहेज की रकम जो ली दी गई है ना,
उस रकम के से अधिक नहीं होगा। माने इसमें विकल्प है कि न्यूनतम जो है 5 वर्ष का कारावास का प्रावधान किया गया है, तो उसको आप दिमाग में रखें कि दहेज लेना और देने के लिए जो है वो न्यूनतम कारावास कितना है, 5 वर्ष का कारावास है और साथ में जुर्माना भी है। जुर्माना की राशि में विकल्प दिया गया है, यदि जुर्माना 15,000 हो सकता है, लेकिन यदि दहेज की राशि जो है वो 15,000 से अधिक है तो फिर जो भी अधिक है उतना जुर्माना जो है वो अभियुक्त पर लगाया जाएगा। फिर यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, जनरली सब में लिखा हुआ है इस तरह से कि न्यायालय जो है वो कारण लिखते हुए जो न्यूनतम कारावास है, कम से कम कारावास 5 वर्ष का होगा ऐसा कहा गया है, तो 5 वर्ष से भी कम कारावास दे सकता है। चलिए हम अगला चलते हैं, अगली हम लेते हैं धारा 4। तो दहेज मांगने के लिए दंड है ना, तो दहेज अगर कोई व्यक्ति दहेज की मांग करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा, तो यहाँ पे हमको दंड याद रखना है 6 मास से कम से कम 6 मास और अधिक से अधिक जो है वो 2 वर्ष तक का कारावास। और है ना, यहाँ पे देखिए और लगा हुआ है या आ लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। तो ये दंड पूछ जा सकते हैं आपके कि दहेज की मांग के लिए क्या दंड है, तो 6 मास से 2 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना। फिर अगला हम बात करते हैं धारा 4 का, ये आपका जो है वो 19 नवंबर 1986 में जोड़ी गई है ये, तो ये ध्यान रखना आपको। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दहेज की प्रस्तावना करते हैं पेपर के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, कोई मैगजीन के माध्यम से, तो इस तरह की विज्ञापन करना जिसमें एक प्रकार से हम दहेज की मांग करते हैं कि अगर को हम योग्य वर की आवश्यकता है ना, इतना इतना हम जो है उसको देंगे, तो इस तरह का विज्ञापन जो है वो उस पर रोक लगाई गई है। कौन सी धारा रोक लगाती है इसको ध्यान में रखिएगा, धारा 4 का रोक लगाती है आपकी ये। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह का विज्ञापन देता है ना, दहेज की मांग को लेकर के विज्ञापन देता है, तो उस पर जो है वो क्या है, 6 मास से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपये तक का जुर्माना का दंड का प्रावधान किया गया। तो ये याद रखिएगा आप कि विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई है धारा 4 का द्वारा, और यदि कोई विज्ञापन इस तरह करता है तो उसको कम से कम 6 मास और अधिक से अधिक 5 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपये तक का जुर्माना से जो है वो न्यायालय दंडित कर सकता है। चलिए हम बात करते हैं धारा 5 की, अगली धारा हमारी 5 है। तो दहेज लेने या देने के लिए करार शून्य होगा, तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन किस तरह बनेगा कि दहेज लेने या देने का करार है, क्या है, अवैध है, शून्य है, शूनकर्णी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम जनरली क्या करते हैं, गलती कर देते हैं हम लोग, गैर कानूनी मान करके क्या शब्द यूज कर देते हैं, अवैध है, तो अवैध नहीं है बल्कि क्या है, केवल ये शून्य है। इसको ध्यान में रखिएगा कि दहेज लेने या देने का जो करार, जो भविष्य में कि हम दहेज लेंगे या हम आप हमको उतना दहेज देना, हम आप उतना दहेज आपको लेंगे, इस तरह का अगर कोई हम भविष्य के लिए कोई करार करते हैं तो करार भविष्यवर्ती ही होते हैं, तो ऐसे करार जो है वो शून्य माने जाएंगे, माने कि उसको लागू नहीं कराया सका, उसको न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। फिर अगला हम देखते हैं, अगली धारा आपकी धारा 6 है। तो दहेज का पत्नी या वारिसों के दहेज का पत्नी या वारिसों है ना, वारिस माने उसके जैसे बेटे वगैरह हैं, बेटी हैं, या जो उसके वारिस हैं के लिए फायदे के लिए होना, तो जो संपत्ति वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दी गई है या ऐसी कोई संपत्ति दी गई है जिसकी बकायदा की लिस्ट बनाई जाती है ना, किसके द्वारा दी गई है, तो ऐसी संपत्ति जो है वो स्त्री या उसके वारसों के फायदे के लिए होगी। अब इसमें कुछ डेट लिखी हुई है, 3 मास का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पे हम बता दें कि यदि विवाह के पूर्व दिया गया है, माने ऐसी राशि जो है विवाह के पूर्व दी गई है, तो विवाह की तारीख से 3 मास के अंदर यदि ऐसी राशि विवाह के समय या विवाह के बाद दी गई है, तो प्राप्ति के 3 मास के अंदर, और यदि ऐसी स्त्री जो है वो अवस्क है तो उसके वयस्क हो जाने पर, मतलब कि 18 वर्ष पूरे होने की तारीख से 3 मास के अंदर जो है वो उस स्त्री को दे दी जाएगी, यदि उस स्त्री के कोई बच्चे नहीं हैं वो स्त्री को अंतरित कर दी जाएगी और स्त्री उसको अपने फायदे के लिए धारण कर सकेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम धारा 6 में, तो धारा 6 में जो है वो 3 मास की बात हो रही है, तो ऐसी संपत्ति जो है वो महिला के फायदे के लिए होगी और 3 मास, लगभग तीनों मामलों में 3 मास आ रहा है, तो इसको आप आसानी से दिमाग में रख सकते हैं कि 3 मास के अंदर जो है वो किसको अंतरित कर दी जाएगी, स्त्री को अंतरित कर दी जाएगी और वो उसको अपने फायदे के लिए जो है वो ग्रहण कर सकती है। फिर चलिए हम अगला देखते हैं, इसमें अगर कोई व्यक्ति इस तरह करने में असफल रहता है ना,
तो जिस व्यक्ति के पास वो संपत्ति है उसको 3 मास के अंदर दे देनी चाहिए। यदि वो देने में असफल रहता है तो न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय उसको जो है वो दंडित कर सकता है। और दंड क्या है, है ना, दंड क्या है आपका 18 मास होने की, है ना, दंड है 3 मास तक के अंदर दहेज अंतरण में असफल रहता है ना, तो दंड क्या है आपका 6 मास से 2 मास तक का कारावास, या है ना, यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका या लगा हुआ है, तो या 5,000 से 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। और यहाँ पे न्यायालय फिर आदेश भी करेगा उसको अंतरित करने के लिए, और यदि वो अंतरित करने में असफल रहता है तो न्यायालय जो है वो उतनी राशि जो दहेज में ली दी गई है उतनी राशि के बराबर जो है वो उस पर जुर्माना लगा सकता है। और इस तरह का जो राशि का जुर्माना लगाया है वो जुर्माने की तरह जो है वो जुर्माने की जो वसूली की प्रक्रिया है उसी तरह से जो है वसूला जा सकता है। चलिए आगे हम चलते हैं। एक स्थिति ये भी बन सकती है कि यदि ऐसी स्त्री की विवाह के 7 वर्ष पूर्व, है ना, तो ये तो हमको दिमाग में है, विवाह के 7 वर्ष पूर्व प्राकृतिक कारणों के अलावा माने अप्राकृतिक कारणों से अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्त्री के संतान को और संतान न होने पर उसके माता पिता को ये संपत्ति अंतरित हो जाएगी, है ना, जो दहेज की संपत्ति है अगर स्त्री की विवाह के 7 वर्ष के अंदर जो है मृत्यु हो जाती है वो भी अप्राकृतिक कारणों से, जलने से, है ना, जैसे जलने से या मारपीट से, तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो संपत्ति स्त्री के हक में थी उसको दी नहीं गई है तो ऐसी संपत्ति जो है वो किसको मिल जाएगी, उस स्त्री के संतान को मिल जाएगी। और यदि स्त्री कोई संतान नहीं है तो फिर स्त्री के मम्मी पापा को, है ना, स्त्री के मम्मी पापा को मिल जाएगी। फिर आगे हम चलते हैं धारा 7। तो धारा 7 में अपराधों का संज्ञान, है ना, अपराधों का संज्ञान, संज्ञान माने होता है कि तथ्यों के आधार पर कि अपराध बनता है कि नहीं बनता है इस बात का निर्धारण करना, तो ये कहलाता है अपराधों का संज्ञान। तो कौन कौन लेगा, तो महानगर, है ना, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, और इन्हीं न्यायालयों द्वारा जो है वो दहेज संबंधी जो भी दंडनीय अपराध हैं उनका विचार कौन करेगा, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से के स्तर तक का न्यायालय या इसका ऊपर न्यायालय, है ना, इसका ऊपर जो स्थित न्यायालय है वो कर सकेंगे। और इस तरह का संज्ञान न्यायालय कैसे ले सकता है, तो या तो पुलिस रिपोर्ट पर ले सकता है या परिवाद पर, है ना, तो परिवाद पर। और ऐसा परिवाद कौन दाखिल करेगा, तो ऐसा परिवाद जो है वो पीड़ित पक्षकार, जैसे कोई महिला है तो महिला दायर करेगी, या उसके माता पिता, या कोई उसके नातेदार, या कोई ऐसी संगठन या संस्था जो कल्याणकारी संस्था है वो जो है परवाद दाखिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और लिखी है कि दहेज संबंधी मामलों में जो है वो जो CRPC की अध्याय 36 में जो परसीमा काल दिया गया है संज्ञान के लिए परसीमा काल, वो प्रावधान यहाँ पे लागू नहीं होते हैं। और एक बात हम और बता दें कि यहाँ पे अगर कोई मजिस्ट्रेट है ना, तो उसकी अगर कोई पावर है ना, तो यदि उसको दंड देने के लिए उस पावर से अधिक दंड देने की भी ज़रूरत है तो वो अधिक दंड भी दे सकता है, माने पावर से अधिक दंड देने में वो जो है वो सक्षम माना गया है इसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। फिर चलिए हम धारा 7, अब हम बात करते हैं धारा 8 की। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध जो है वो क्या होगा, संज्ञेय होगा, आजमानती होगा और आसमनी होगा, माने संज्ञेय आजमानती माने उसमें जमानत संबंधी प्रावधान नहीं होंगे, जमानत दी जा सकती है, बहुत ही कड़े रूल हैं, लेकिन प्रथम दृष्टा अपराध जो है वो आजमानती होगा। और आसमनी, आसमनी का मतलब होता है कि समझौता करने योग्य नहीं होगा, माने उसमें पक्षकार जो है आपस में समझौता नहीं कर सकेंगे। तो एक बार फिर से बोले दे रहे हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में प्रत्येक अपराध जो है वो संज्ञेय, आजमानती और आसमनी होगा। फिर हम बात करते हैं धारा 8 की, धारा 8 का की, तो कुछ मामलों में सबूत का भार, है ना, तो 2 ऐसी स्थितियां हैं, यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने या देने का दुष्प्रेरण करता है धारा 3 के अधीन दंडनीय है ये, या कोई व्यक्ति जो है वो दहेज की मांग करता है तो ये धारा 4 में दंडनीय है। तो यदि ऐसे अभियुक्त हैं तो सबूत का भार इन पर होगा कि इन्होंने ऐसा नहीं किया है, या अपराध का दुष्प्रेरण नहीं किया है, या दहेज की मांग नहीं की है, तो यहाँ पर सबूत का भार जो है वो उल्टा है, अभियुक्त पर है कि उसने दुष्प्रेरण नहीं किया है, वो ये साबित करेगा, या उसने दहेज की मांग नहीं की है उसको ये साबित करना होगा। चलिए अगला हम देखते हैं,
धारा आठ का हो गई, धारा आठ खा है ना, धारा आठ का दहेज प्रसिद्ध अधिकारी की नियुक्ति। तो इससे क्वेश्चन बनता है आपका कि धारा आठ खा में जो है वो दहेज की रोकथाम के लिए है ना एक दहेज प्रसिद्ध अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है बेटा, कौन कर, राज्य सरकार है ना, और कितने कर सकता है, जितने आवश्यक हो है ना, कोई संख्या डिसाइड नहीं है इसमें कि एक करेगा, जितनी आप सकता हो उतने दहेज प्रसिद्धकारी राज्य सरकार जो है वो धारा आठ खा के अधीन जो है वो नियुक्त कर सकती है। फिर हम चलिए अगला देखते हैं धारा नौ। तो धारा नौ में नियम बनाने की शक्ति किसकी शक्ति दी गई है, धारा नौ में नियम कौन बना सकता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, तो कौन बना सकता है, केंद्र सरकार। इसी तरह से धारा दस की बात करते हैं, तो धारा दस में नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है, राज्य सरकारों को है ना, माने हर राज्य की राज्य सरकारों को जो है वो धारा 10 में आवश्यक नियम बनाने की शक्ति दी गई है। इस तरह से धारा 9 में केंद्र सरकार को दी गई है, धारा 10 में राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो थोड़ा सा जल्दी बोला हूँ, लेकिन जो भी बोला हूँ बहुत सोच समझ के बोला हूँ, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, ये मेरा पूरा प्रयास रहा है। तो आज हमारा इसी तरह से मैं आपका हर एक्ट, जो छोटे छोटे एक्ट हैं जिनको एक दो दिन में ख़त्म किया सकता है 18 दिसंबर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, तो उस तरह का मैं प्रयास कर रहा हूं। यदि आपको अच्छा लगे, आप अगर ADPO का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो निसंदेह रूप से आप हमारा ये वीडियो देखें, आपको फ़ायदा होगा। तो मैं RK सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, आप लोगों से अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।